वोट बिल्कुल एक्यूरेट जान डाला वहीं गिरा। एक बड़ा मुल्क है तो लोगों की अपनी अपनी राय है। रिजल्ट जल्दी आता है, इसमें आंकड़ों का चक्कर नहीं रहता। लोगों का रुझान अच्छा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ज्यादा तो पर्ची भी दिखा देते हैं। ईवीएम को लेकर लोगों के मन के अंदर भ्रांति रहती है कि इसके अंदर सवाल भी उठते हैं कि गड़बड़ होती है और गड़बड़ होने की बातें सही है या गलत है। इसलिए स्वीप गतिविधियों के तहत लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यहां एक और प्रचार प्रसार के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और लोगों के मन के अंदर जो ईवीएम को लेकर भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्वीप के तहत ईवीएम का प्रदर्शन और लोगों को आकर्षित करने का काम और लोगों को ईवीएम के बारे में सही दिशा निर्देश और सही दिशा देने के लिए प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। चलिए सुनते हैं यहाँ के लोग जो ईवीएम को देखने के लिए आते हैं, ईवीएम का प्रयोग करके देखते हैं, अपने वोट को डालकर देखते हैं कि क्या ईवीएम सही है गलत है या जो भ्रांतियाँ उठ रही हैं वह कितने हद तक सही है। इन तमाम बातों का जवाब यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जो ईवीएम प्रदर्शित के लिए रखी गई है वहाँ पर जो लोग आज पहुँचे हैं उनसे करी है बात। चलिए सुनते हैं ईवीएम को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए वोट डाला तो मैंने वो वीपैड भी चेक की, उसमें वही निशान जहाँ मैंने वोट डाला था, इससे मुझे लगता है इसमें कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार की रत्ती भर गलती का चांस नहीं है। वोट बिल्कुल एक्यूरेट जान डाला वहीं गिरा। कई लोग भ्रांतियां करते हैं जी, जैसे गड़बड़ हो सकती है, आपका क्या मानना है? देखिए सर, एक बड़ा मुल्क है तो लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ लोग हार की वजह से भी कह सकते हैं अपनी अपनी राय है, तो मेरे को तो इसमें कहीं रत्ती भर गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल सही और सात्विक वोट डल रही है, ईमानदारी से डल रही है, इसमें कहीं कोई संशय का सवाल ही नहीं उठता सर। ईवीएम से अपने जो वोटिंग कराते हैं फिर मतगणना होती है, कितनी सुविधा रहती है, क्या मानते हैं इसके अंदर? सर एक तो रिजल्ट जल्दी आता है, इसमें आंकड़ों का चक्कर नहीं रहता, बिल्कुल एक्यूरेट किसको कितने प्राप्त हुए आ जाते हैं, समय की बचत होती है प्रशासन को और जो है बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो पहले अपने पर जो मतपत्र से गिराते थे उसमें टाइम बहुत लगता था, पब्लिक भी परेशान अधिकारी भी परेशान, तो ये बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था है, इसमें मुझे लगता है कि संशय का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। स्वीप जो गतिविधियां चल रही हैं, प्रचार प्रसार जो है स्वीप के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही है, लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और यहाँ जो ईवीएम के लिए आप टेस्ट के लिए आते हो तो वो भी दिखाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है वोट डालिए और यहाँ ईवीएम से जांच करवाई जा रही है, आप डालो और वो पर्ची देखो, ईवीएम मतपत्र सारा चेक करो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है। ईवीएम के प्रचार प्रसार के लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं उनसे भी की है बातचीत, चलिए सुनते हैं ईवीएम और स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत उनका इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। लोगों का रुझान अच्छा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इस ईवीएम मशीन के द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जिसको वोट डाल रहे हो उसी को ही आपका वोट डाल रहा है, कि वीवीपैट ये सिद्ध करती है कि जिसको वोट डाला है उसी को गया है। लोगों का इसके प्रति काफी रुझान है और देख के लोग सेटिस्फाई भी होते हैं। कई लोगों के मन के अंदर भ्रांति है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, आप जो लोग आते हैं क्या प्रतिक्रिया रखती है? उनके मन में भ्रांति तो आती है लेकिन हम उनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उनको दिखाते हैं कि पर्ची भी कटती है और ज्यादा तो पर्ची भी दिखा देते हैं उनको।